हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका मेरे चैनल अंजलिज वर्ल्ड में। आज मैं बनाने वाली हूं टेस्टी एंड स्पाइसी ढोकले की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। ढोकला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन। इसमें हम डालेंगे 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और पानी। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लगभग 7 से 8 मिनट तक के लिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें थोड़ा और पानी डालूंगी, फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ढोकला को और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे क्रश किया हुआ लहसुन, जिसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था। इसे और स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे क्रश किया हुआ हरी मिर्च, और इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस, और साथ ही डालेंगे इसमें हींग और 1 चम्मच तेल। अब सभी चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अगर आपको खट्टा मीठा तीखा खाने का मन करे ढोकला, तो आप इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट तक के लिए साइड में रख देंगे। ढोकला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 केक टिन। इसमें हम ऑयल को लगा देंगे। तो ये देखिए, इसमें अच्छे से ऑयल को मैंने लगा दिया है, और इसे भी अब रख देंगे हम साइड में। अब चलते हैं हम अपना स्टीमर रेडी करने। एक कढ़ाई में मैंने डाला है 1.5 से 2 गिलास के लगभग पानी। इसमें हम डाल देंगे स्टैंड को, और इसे हम ढक देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो ये हमारा स्टीमर रेडी हो रहा है। तो ये देखिए, 10 मिनट हो गया है, ये हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो गया है ढोकले का। तो इसे हम थोड़ा और मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह का हमें रखना है, ना तो ज़्यादा गाढ़ा ना तो ज़्यादा पतला। तो इसी तरह का इस बैटर को हम रखेंगे। इसमें अब हम डाल देंगे इनो। तो ये इनो को मैंने इसमें डाल दिया है, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो इनो डालने के बाद बहुत ज़्यादा इसे मिक्स ना करें, बस थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखिए, इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे डाल देंगे ये केक टिन में, जिसे मैंने ऑयल लगा के रखा था। तो इस बैटर को इसमें हम डाल देंगे। तो जितना भी बोल में ये बैटर लगा है, इसे भी हम चम्मच से डाल देंगे। तो इस तरह से सारे बैटर को मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब स्टैंड को हम डाल देंगे स्टीमर में। तो चलते हैं हम इसे स्टीमर में डाल दें। तो ये देखिए, हमारा स्टीमर भी रेडी है। इसमें हम डाल देंगे ये केक टिन को, और इसे ढक देंगे। तो इसे ढककर हम 15 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो ये देखिए, 15 मिनट हो गया है। तो अब हम इसके ढक्कन को हटाएंगे, और आप देख सकते हैं ये कितना परफेक्ट ढोकला बनकर तैयार हुआ है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। तो इस ढोकले को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से ठंडा हो गया है। तो मैंने इसे निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं ये साइड से अच्छे से निकल रहा है। इसमें आपको नाइफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आराम से निकल जाएगा। तो एक बर्तन में हम इसे निकालेंगे। इसे हम हल्का सा ऊपर से टैप कर देंगे, और ये देखिए, ये कितने आसानी से निकल गया है। ये देखिए, बिल्कुल केक के जैसा लग रहा है ना। तो ये टेस्टी सा स्पाइसी सा ढोकला बनकर तैयार है, बिल्कुल जालीदार ढोकला बना है। तो अब इस ढोकले के लिए हम तड़का रेडी कर लेते हैं। अब इस तड़का पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे काला सरसों 1 बड़ा चम्मच। जब सरसों चटकने लगे, तो इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च बीच से कटी हुई, और इसके साथ ही डालेंगे ढेर सारा करी पत्ता, और सभी चीज़ों को हम हल्का सा पका लेंगे। अगर आपको मीठा ढोकला पसंद है, तो आप इसमें थोड़ा पानी डालकर चीनी डाल दें, तो ये आपका मीठा ढोकला का तड़का तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, ये तड़का रेडी है बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं इसे ढोकले के ऊपर डालने। तो इस तड़के को हम ढोकले पे डाल देंगे, और इसे चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे।
तो ये देखिए हमारा ढोकला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें कट लगा देंगे। तो इसे आप अपने अनुसार जैसा आप काटना चाहें वैसा काट सकते हैं। तो मैंने इसे स्क्वायर शेप में ही काटा है। तो ये ढोकला आप सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलते हैं हम इसे सर्व करने। ये टेस्टी सा स्पंजी सा ढोकला बनकर तैयार है। आप भी इस तरह से एक बार ढोकला ज़रूर बनाएं, ये आपको काफ़ी पसंद आएगा और बहुत आसान है इसे बनाना। आप रेसिपी फॉलो करके बनाएं, बिल्कुल अच्छा ढोकला बनेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।